हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट क्लासेस। सो आज हम करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो अधिकतर आते हैं अलजेब्रा के हैं और इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, तो इसमें सस्पेंस है। कुछ क्वेश्चन मैं इसके बाद में कराऊंगा जब आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तो आज मैं एक प्रकार के आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे देखिए, इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू थ्री, देन यदि क्या होगा, फिर आपको आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5। यानी यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 3 हो तो हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये आज एक्सप्लेन नहीं, सिर्फ एक छोटा फॉर्मूला बता रहा हूँ कि ट्रिक के थ्रू कैसे आएगा। तो देखिए, जब भी आपको ये पावर ये दिया गया हो इस टाइप का कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दिया गया हो और आपको किसी में निकालना है, तो अगर स्क्वायर में निकालना हो, देखिए ये आपको वैल्यू दी गई है यहाँ पे, अगर आपको स्क्वायर में निकालना है तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर माइनस टू। क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, स्क्वायर माइनस टू, याद कर लीजिएगा इसको, स्क्वायर माइनस टू। अगर ये आपने कर लिया, आपका आंसर आ गया। जैसे कि देखिए, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू थी 3 और हमें काय में निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर में, तो इसका फॉर्मूला हमने क्या याद कर लिया, स्क्वायर माइनस टू, स्क्वायर माइनस टू, ये रख लीजिएगा स्क्वायर माइनस टू। यानी किसका स्क्वायर, ये जो नंबर हमें दिया गया है इसका स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस कितना है 2, तो कितना आ जाएगा इसमें 9 माइनस 2, यानी आंसर आ गया आपका 7। सिंपल है ना, सिंपल। देखिए इस तरीके से आपको निकालना है, मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट ट्रिक बताते जाऊंगा, इसके थ्रू आपके स्क्वायर क्यूब और पावर 4 पावर 5 कितने भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या था, स्क्वायर माइनस 2। ओके, अब मैं 3 पे आने से पहले सबसे पहले आपको 4 की तरफ ले चलता हूं। किसकी तरफ ले चलता हूं, 4 की तरफ, क्योंकि वो सेम रिलेट करता है इससे। देखिए, इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, तो आपका क्या है, x की पावर 4 प्लस वन अपॉन x की पावर 4 भी निकालना है। अब देखिए, x की पावर 4 प्लस वन अपॉन x की पावर 4 कैसे आएगा, देखिए जरा। हमने अभी यहाँ पे जो निकाला है वो क्या निकाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है, कितनी आई, 7 आई। तो x की पावर 2 की अगर पावर 2 कर दें तो कितना हो जाएगा आपका, x की पावर 4 हो जाएगा, यानी डबल बार अगर पावर का पावर कर दें हम तो वो आपका 4 हो जाएगा। देखिए, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 का क्या आया, 7 आया। कैसे आया, हमने ये फॉर्मूला लगाया, ट्रिक लगाई, कौन सी, स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यू है, किसकी वैल्यू है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, कितनी है, 7। हमें क्या निकालना है, एफ की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तो फिर इसका स्क्वायर हो रहा है, अभी ये सिंगल में था इसका स्क्वायर हुआ था, अब ये सिंगल में है इसका स्क्वायर होगा, तभी ना एक्स की पावर 4 आएगी, फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, कौन सा, स्क्वायर माइनस 2। तो स्क्वायर माइनस 2 लग जाएगा, तो हमारे पास आंसर जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का आंसर आ जाएगा। वही ट्रिक लगानी है, क्या लगानी है, स्क्वायर माइनस 2, कितना था इसकी वैल्यू, 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 49 माइनस 2, आंसर कितना आ जाएगा इसका, 47। देखिए, दो एक ही फॉर्मूले से आपके दो चीजें सॉल्व आउट हो गई, यानी आप कभी भी आपके मैथमेटिक्स में अगर स्क्वायर का आता है या पावर 4 का आता है तो आपको क्या पढ़ना है, बस स्क्वायर माइनस 2, यानी जो आपको नंबर दिया गया, डिजिट दिया गया है, उसका स्क्वायर करो, उसमें से 2 माइनस कर दो, ठीक है। ये आपका हो गया स्क्वायर का और क्यूब का। अब बात करते हैं हम, अगर हमारे पास 3 में हो तो क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट पेन कॉपी लेके सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई, अगर मैं चाहूं कि मेरे को 3 का करना है, भाई 3 का करना है तो 3 का कर लीजिए, इसका आंसर कितना आया था, तो आप लिख सकते हो कितना आया था, स्क्वायर माइनस 2, यानी 3 की पावर 2 माइनस 2, आंसर आया था इसका 7। इसका कितना आया था, स्क्वायर माइनस 2, यानी ये स्क्वायर का स्क्वायर हुआ था, यानी 7 की 7 का पावर कितना होता है 4, यानी 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 49, 49 माइनस 2 47। तो हमारे पास 2 के आंसर यहां पर आ चुके हैं। अब क्या है, क्यू वाला हमें और सॉल्व करना है, तो क्यू वाला सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बताई थी आपको कि इसका स्क्वायर माइनस 2 करना है, ऐसे यहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ ये करना है, क्या करना है, क्यूब माइनस 3 जो डिजिट आपको दिया गया हो, इसको आप ए मान सकते हो, क्या मान सकते हो, ए एक्स वाई जो भी मानना है, जो डिजिट आपको दिया गया हो उसको सबसे पहले क्या करना है, क्यूब। अब आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हो, आप डिजिट का क्यूब माइनस 3 इंटू डिजिट हो गया, कुछ भी मान लो आप इसको, डिजिट का क्यूब। अब हमें वैल्यू निकालनी है क्यूब में, तो क्यूब में डिजिट का क्यूब, उसमें वैल्यू निकालनी थी स्क्वायर में, तो डिजिट का स्क्वायर हो रहा था, अब क्या है, डिजिट का क्यूब, यानी 3 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू डिजिट कितना है, 3,
क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18। सिंपल हो गया। अब हमें x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 3 दी गई थी और हमें x की प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने कौन सा फॉर्मूला इसमें फिलअप किया, आपने फॉर्मूला इसमें फिलअप किया है कि q माइनस 3 डिजिट, यानी डिजिट का q माइनस 3 इंटू डिजिट, ये निकालना पड़ेगा आपको। अगर आप इसको a मान लो या y मान लो तो सीधा सीधा आपका आंसर ये फॉर्मूला बन जाता है। हमने माना कि इसको a मान लिया तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस 3a, इससे रिलेट कीजिए आंसर जाएगा सिंपल आपका 8 आ गया। यानी अब हमारे पास 3 का भी आंसर है, 1 का आंसर है, 2 का आंसर है, 3 का, 4 का। अब 5 की पावर अगर आती है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5 की पावर आती है तो आपका उसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि 5 हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी में एक साथ मल्टीप्लाई और ये हो जाए एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 का आ गया, हो गया ना 5। बस एक चीज और करनी है इसमें, हमें क्या करनी है, माइनस करके x प्लस 1 अपॉन x कर देना है। अब देखिए q का आपको पता था, स्क्वायर का आपको पता था कितना निकला था 7 इंटू, आपको q का पता था कितना निकला 18 माइनस x प्लस 1 अपॉन x दिया गया है कितना 3। सॉल्व करिए 18 इंटू 7 कितना हो जाएगा 126 माइनस 3, आंसर आ गया आपका 123। अब आपके पास 5 का भी आंसर है, कितना है 123। तो देखिए कितना आसान था, इसके पीछे आप क्वेश्चंस छोड़कर आते हो, ये हो गया आपका 18, ये आ गया आपके एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। अब ये होता कैसे है, ऐसा क्यों मैंने फॉर्मूला लगाया, अभी मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे ये आया है। और अगर आपके पास सिर्फ ये दिया गया हो कि भाई एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू कितना है 123, और आपको एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 निकालना हो, या एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 निकालना हो, या एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना हो, यानी कि अब अपोजिट वाला अगला वीडियो देखो। लेकिन उससे पहले आप मेरे इसको वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं लेकर आऊंगा इसी तरह के आपके लिए शॉर्ट ट्रिक।